दंपति महेश्वर, खरगोन डिस्ट्रिक्ट एमपी के रहने वाले हैं और यहाँ पर हमारी मिसेस का इलाज के लिए आए हैं। सबसे प्रथम तो हमारी मिसेस को एलर्जी की बहुत ज़्यादा शिकायत थी विगत 7 साल से, जिसमें हमने 2 साल तक होम्योपैथिक का करवाया। होम्योपैथिक करवाने के बाद में फिर एलोपैथिक 5 साल से चल रहा है, तो उसके बाद में एक नया पैसे का फ़ायदा नहीं हुआ था हमको। कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए हमने इनके लिए 5-7 साल में खर्च कर दिए। उसके बाद में अभी सितंबर में ये हालत हो गई थी कि इनके उठना बैठना मुश्किल हो गया था और ये कह रहे थे कि मेरा गला दबा दो, ये हालत हो गई थी। इतनी इतना सोच लिया था कि अब मेरे को जीना नहीं है, मरना है, परंतु हमें विवेक सर का पता लगा तो हम यहाँ पे कोई सुभाष जायसवाल करके इनके पास, विवेक सर के पास इलाज करके गए थे, तो उन्होंने हमको पता बताया कि आप पारुल जाइए, आयुर्वेदिक में बताइए। हम यहाँ मिले, आए यहाँ पे विवेक सर से मिले। विवेक सर ने हमको एडमिट होने के लिए शुरू में बोला था, परंतु हम इस स्थिति में नहीं आए थे कि यहाँ पे रुक सके। तो उन्होंने 15 रोज का हमको दवाई लिख के दी, तो 3-4 रोज लेने के बाद में इनको 25% कम से कम फ़ायदा होने लगा। तो हमारे बच्चों ने कहा कि आप जब नवरात्रि चल रही थी तो कि आप नवरात्रि में वहीं जाओ और वहीं एडमिट हो। हम 15 दिन तक यहाँ एडमिट रहे थे, तो फिर मेरे को भी मतलब वो मेरा भी मतलब डाइजेशन का था, मेरे को भी यहाँ पे इलाज करा और इनका भी इलाज करा। मेरा बस्ती करी थी तो विरेचन के बाद में 15 दिन तक हम यहाँ रहे, तो इनकी ऐसी स्थिति हो गई थी कि बिल्कुल हम घर गए तो वहाँ के लोगों ने कहा कि आप इलाज करा के आए हो कि बीमार होने गए थे, ऐसी स्थिति हो गई थी इनकी यहाँ से। तो विरेचन में मतलब ये वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई थी और 11 रोज तक कुछ भी खाने को नहीं दिया था यहाँ पे, परंतु धीरे धीरे उसके बाद में रिकवर होती गई और आज ये स्थिति है कि 110% मतलब ठीक है। जो स्थिति थी कि छींके आना, पानी गिरना नाक में से और परेशान हो जाते थे, तो वो बिल्कुल मतलब जब से यहाँ से इलाज चालू हुआ है उसके बाद से अभी तक हुआ नहीं। हमको 6 महीने हो गए, कुछ भी नहीं होते। ये स्थिति थी कि मतलब यहाँ से अगर 4 कदम चले तो इनका सांस फूलता था और यहाँ आने के बाद में ये यहाँ सेकंड स्टोरी पे जाते 40 पेड़ी चढ़ते थे, ऊपर उतरते थे 3-3 बार। तो हम तो यहाँ आके मतलब ये हो गया कि मतलब लोग बाग भगवान को मंदिरों में ढूंढते हैं, परंतु विवेक सर हमारे लिए भगवान है कि उन्होंने मतलब इनको ठीक करा है। खाने के लिए आई थी कि मैं ठीक हूँ, फिर सर से मैंने बोला कि मेरे को चक्कर आ रहा है सर, तो सर ने मेरा ये सिरोधारा करवाया। सिरोधारा 8 रोज हुआ, उसके बाद में मेरे को बिल्कुल चक्कर भी मेरे बंद हो गए, कोई परेशानी नहीं है। दूसरी बात है कि सर मेरा बच्चा भी था तो वो बाथरूम में से फिसल गया था, उसके पैर के लिगामेंट टूट गए थे। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा शहर इंदौर ही है, वहाँ पर हमने MRI कराई थी, तो वहाँ के डॉक्टरों ने ये बोला था कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो वहाँ पे इंदौर में बताया, खंडवा है हमारे पास में जिला हॉस्पिटल, वहाँ पे बताया, महेश्वर में बताया, तो सभी लोगों ने मतलब ये बताया था कि आप इसका ऑपरेशन के अलावा कोई दूसरा इलाज नहीं है। हमने पारुल में भी आके वो एलोपैथिक में बताया तो उन्होंने भी मतलब वो MRI देखी और उन्होंने जाँच करी तो उन्होंने भी यहाँ पर कहा था दूरबीन से ऑपरेशन करना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद में हमने विवेक सर को बताया तो विवेक सर ने वो देखा, उन्होंने पूरी MRI और उन्होंने विवेक सर ने बोला कि मेरे को 1.5 महीना दे दो आप। तो विवेक सर ने फिर उनका इलाज कराया तो आज ये स्थिति है कि बिल्कुल उसका पैर अपने मतलब कुछ भी दर्द नहीं हो रहा है, बढ़िया हो गया। अभी आया था 7 तारीख को बताने के लिए तो फिर से MRI के लिए कहा है, तो वो बच्चे का वहाँ बीमा है तो क्योंकि वहाँ से हमारा फ्री हो जाएगा तो यहाँ ला के बताना है, तो उसका पैर भी MRI करवा के देना है, पैर बिल्कुल ठीक हो गया है बगैर ऑपरेशन का, कुछ भी तकलीफ नहीं रही। और उसके बाद में हम शुरू में 2 आए थे, सेकंड राउंड में आए तो 6 लोगों के लिए लोगों को लेके आए और अभी हम 11 लोग आए हैं और सभी को मतलब फायदा हो रहा है और सब विवेक सर का ही इलाज चल रहा है। और कम से कम 8 लोग और वेटिंग में है, ये तो कोरोना का चल रहा है, नहीं तो 8 लोग और आते विवेक सर के पास।